So it's time for class A, second EBS, okay? Now, next question, page number 13. First you mention the date. Date is 21/5/2020, okay? Now, learn from Mickey and Minnie. Why have you placed your hand on your chest? आप जो अपने सीने पर अपना हाथ क्यों रखे हुए प्लेज मतलब ठीक है तो वो रिस्पॉन्स होता है आई कैन फील अ ड्रॉइंग साउंड इन माई चेस्ट एक अजीब सी मुझको आवाज़ सुनाई दे रही है अपने चेस्ट से ठीक है डियर मिकी दिस साउंड इज मेड बाय द हार्ट वो बोलती है ओ मिकी ये जो साउंड है ये किससे मेड बाय किससे कहाँ से बन के मतलब आप कभी भी कान लगाओगे किसी की चेस्ट पे तो आपको साउंड सुनोगे कि धक 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 तो ये साउंड क्या होती है हमारे हार्ट की होती है व्हेन इट पम्प्स ब्लड वो जब ब्लड पम्प्स करके जब ब्लड को निकालता है मूव करता है जब आपका ब्लड तो इट्स कॉल्ड अ हार्ट बीट इसको क्या कहते हैं हार्ट बीट कहते हैं जब आप देखो आप कभी भी मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगी जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि जो है ना हार्ट किस तरह से पंप करता है तो उससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है इसी जब पंप करता है हार्ट इसी को हम हार्ट बीट कहते हैं ठीक है बोलते हैं ना दिल की धड़कने किसी की रुक जाती है हार्ट अटैक पड़ गया तो वो जब हार्ट बीट जो होती है वो रुक जाती है उसमें कोई क्लॉटेज आ जाता है फॉर एन एग्जाम्पल छोटी छोटी वेन्स होती हैं नलियाँ ठीक है अगर उसमें किसी रीज़न से कुछ भी ऐसी चीज़ भर जाए या कोई भी ऐसा क्लॉटेज हो जाता है तो जिस कारण से पम्प जो हार्ट होता है उस पर प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता जिस कारण से वो पम्प करने में उसको प्रॉब्लम होती है तो उसी के कारण हार्ट अटैक भी आता है तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से अच्छा फूड खाना है अच्छे से मीन्स नो जंक फूड ओनली हेल्दी फूड आपको हेल्दी फूड खाना है प्लस फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है ठीक है फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करोगे आप केवल बैठ के खाना खाओगे तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ओके तो ये क्या होती है हमारी हार्ट बीट होती है ठीक है अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा द बॉडी इज़ अ टेम्पल कीप इट क्लीन हमारी जो बॉडी होती है वो एक मंदिर की तरह होती है इसीलिए हमें उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जैसे हमारी बॉडी में कुछ डर्टी जर्म्स जो हैं एंटर कर सके अगर डर्टी जर्म्स एंटर करेंगे तो हमारे जो बॉडी में जो गुड इम्यूनिटी होती है हमारी जो अच्छे जर्म्स होते हैं वो उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे अगर हम अच्छा फूड नहीं लेंगे ठीक है तो इस पर आपको ध्यान देना है नेक्स्ट आवर टॉपिक इज बोन्स अच्छा बोन्स क्या होती हैं आपने कभी सुना बोन्स के बारे में हड्डियाँ जो होती हैं यू कैन सी दैट हमारे ऊपर मसल्स होती हैं स्किन होती है तो इसके कारण हमारी ये बोन्स जो होती है अंदर से ढकी होती है कभी बोलते नहीं हो फ्रैक्चर हो गया हाथ में पैर में तो क्या होता है जो बोन्स होती है ये टूट जाती है किसी एक्सीडेंट से या किसी रीज़न से तब जो होता है फ्रैक्चर्स हो जाते हैं या आपको देखो बहुत जो एजड आपकी दादी या कोई भी घर में ऐसा मेम्बर होगा जिसको यहाँ पर जो नी पेन होता है बैक पेन ये बैक होती है रिब बोलते हैं इसको ये रिब है ये स्पाइन है इनमें पेन होता है जॉइंट्स में ये जॉइंट्स वन जॉइंट्स टू जॉइंट्स ऐसे देखिए छोटे छोटे जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं नेक में भी है ऐसे देखिए यहाँ पे भी है ये भी है तो ये जॉइंट्स होते हैं इनमें पेन होता है ये कब होता है जब कैल्शियम की कमी से हमारी जो बोन्स जो होती है वो किसके बेस पे ये जो पूरा एक ढांचा बना होता है ये कैल्शियम का बना होता है और कैल्शियम हमें किससे मिलता है दूध से मिल्क से पनीर से कर्ड से इस टाइम आपको आप ग्रोथ एज में हो ना आप जितना मिल्क पियोगे जितना आप कर्ड लोगे कर्ड मींस कर्ड हमेशा मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में लेना है नाइट में कभी भी कर्ड नहीं लेना मॉर्निंग में आप स्कूल आते हो नहीं भी आ रहे हो तो भी आप एक ग्लास दूध पियो सोने से पहले जल्दी आप खाना खाओ जब भी सोने जाओ तो एक ग्लास या आधा ग्लास मिल्क ज़रूर लो इट्स अ गुड फॉर योर बोन्स आपकी हड्डियों के लिए बहुत पावरफुल होता है मिल्क ओके तो हम रीड का टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्या है बोन्स एंड मसल्स इसी पेज में ही है 13 पेज में ही ठीक है देयर आर 206 बोन्स इन आर बॉडी यू कैन सी दैट देयर आर 206 बोन आपको तो एक ही दिख रही है जब इन बोन्स को हम जॉइन करते तब हमारा स्केलेटन मतलब एक ढांचा तैयार होता है ठीक है बॉडी का तो अगर हम इसको छोटे छोटे काउंट्स करेंगे बहुत सारे छोटे छोटे भी होते हैं तो टोटल कितने होते हैं 206 बोन्स इसको बहुत ध्यान दीजिए देयर आर हाउ मैनी बोन्स इन अवर बॉडी There are 206 bone in our body. Okay, next, how many bones in our body? There are 206 bones in our body. The framework works
ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन, जो इसका एक जो फ्रेम बनता है ना, जो वर्क करता है ना बोन्स, इज कॉल्ड स्केलेटन। ये देखिए जो पूरा फ्रेम बन गया है ना बोन्स को जोड़ के, तो क्या है बन रहा है, ये स्केलेटन है ना, हड्डी का ढांचा बोलते हैं इसको हिंदी में। ओके, इट गिव शेप टू आवर बॉडी, ये देखिए हमारी बॉडी को शेप देता है, इसी में हमारी मसल्स और हमारी स्किन्स जो होती कवर होती, तो हमारे हमें एक बॉडी शेप मिलता है ना। एंड हेल्प इन द मूवमेंट टू द बॉडी, और बॉडी को मूवमेंट करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो बोन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अवर बॉडी। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14। द स्केलेटन इज कवर्ड, मतलब ढका हुआ होता है, बाय अ लेयर ऑफ फ्लैश, मतलब मांस से, कॉल्ड मसल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं। जो हमारी स्केलेटन होती है, जो हमारे हड्डी का जो ढांचा था जो आपने देखा था, वो किससे कवर्ड होता है, लेयर ऑफ फ्लैश से, मतलब, और इसको हम मसल्स कहते हैं, जो लेयर ऑफ फ्लैश होती है उसको क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं, ठीक है। मसल्स प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट द बोन्स, मसल्स क्या करती है, बोन्स को प्रोटेक्ट करती है। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन अवर बॉडी, हाउ मैनी मसल्स इन अवर बॉडी, सो 600 मसल्स इन अवर बॉडी, 600 मसल्स होती है हमारी बॉडी में, हाउ मैनी मसल्स इन अवर बॉडी, 600 मसल्स इन अवर बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट, बोन्स एंड मसल्स आर प्रेजेंट अंडर द स्किन, हमारी ये ऊपर की जो देखिए दिख रही स्किन दिखाई दे रही है ना आपको, इसके अंदर बोन और हमारी क्या मसल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दे वर्क टूगेदर एंड एनेबल अस टू मूव, रन एंड प्ले, ये जो है ना एक साथ मिल के हमारी बॉडी को सपोर्ट देती हैं, किस लिए, मूव, घूमने में, दौड़ने में और खेलने में। ओके, नाउ फन एक्टिविटी, मूव योर एल्बो, अपनी जो एल्बो क्या होती है, कोहनी होती है ना, नाउ दिस इज मैं आपको बता दी, ये देखिए जब हम टर्न करते हैं तो ये हमारी एल्बो होती है ना, सो एल्बो टू द फ्रो, Now observe the irons of the door. Do you see any similarity between the two? It means जब ये आपका door, देखिए आपको door दिखाई दे रहा है ना, अगर हम door को shut करें, बंद करें, तो कैसे door normal shut होता है, normal बंद होता है, तो इसमें देखिए इस corner पर कुछ hooks होते हैं, hooks के base पर ये जो है shut या up होता है, मैं आपको एक clear करती हूँ। okay? ओके, नाउ यू कैन सी दैट, ये आपका डोर है, ठीक है। डोर को जब हम बंद करते हैं तो इसमें हुक्स लगे हुए हैं ना, हुक्स के बेस पे देखिए डोर बंद हो रहा है, खुल रहा है, वैसे ही हमारी एल्बो भी वर्क करती है। हमारी एल्बो कैसे वर्क करती है, जैसे हमारे स्टैंड हैंड है, हमारी यहाँ पर एल्बो होती है, ठीक है। एल्बो के जरिए देखिए हम डोर ऐसे लॉक कर सकते, क्लोज कर सकते, ओपन कर सकते, क्लोज कर सकते, ओपन कर सकते, देखिए आप किसी भी वे में कर सकते हो। तो हमारा जो हैंड होता है वो बिल्कुल डोर की ही तरह वर्क करता है, आप उस डोर में और हम हैंड्स के मूवमेंट में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, द क्विक रीकैप, एक पूरे चैप्टर का शॉर्ट रीकैप। ओके, अवर बॉडी इज लाइक अ मशीन, हमारी बॉडी मशीन की तरह होती है। अवर बॉडी दैट वी कैन सी द कॉल वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जिसको हम देख सकते हैं हमारे जो ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स दैट वी कैन सी आर कॉल्ड इन एक्सटर्नल, जिन ऑर्गन्स को हम देख सकते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स दैट वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, जिनको हम बिल्कुल नहीं देख सकते उनको क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन वी हैव, वी हैव 5, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। नाउ नेक्स्ट, बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, बोन और मसल्स जो होती है वो एक साथ वर्क करती है। ओके, नाउ एक्सरसाइज, पेज नंबर आपका सेम 14 है, उसमें देखिए आपकी एक्सरसाइज है, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, इट इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ओके, नाउ इट्स लंग्स, हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, हैंड एंड ब्रेन, आप लंग्स देख सकते हो, आप नहीं देख सकते ना, ब्रेन देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, हम हैंड अब देख सकते हैं ना, तो टेक द एक्सटर्नल ऑर्गन। ओके, इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ, सांस लेने में जो मदद करता है, ब्रेन सॉरी हार्ट, हार्ट तो ब्लड प्यूरिफाई करता है और ब्लड को सर्कुलेट करता है। लंग्स, यस, लंग्स के ही थ्रू आप जो है, हम जो है ब्रीथ लेते हैं, आईज से तो ब्रीथ लेंगे नहीं डेफिनेटली, तो लंग्स। ओके, नाउ नंबर थर्ड, वी पिक थिंग्स विद द हेल्प ऑफ, हम अपने पैरों से चीज़ों को पकड़ते हैं, नहीं, नोज से, नो, हैंड, यस, हैंड से करें पकड़ते हैं, ठीक है।
तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको हम पेज नंबर 15 कंप्लीट कराएंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बी सेफ।